आज आचार संहिता लगने से पहले महाराष्ट्र हुकूमत ने प्लानिंग डिपार्टमेंट से, इसके मंत्री अजीत दादा पवार साहब है, हमने डिमांड किया था कि मालेगांव शहर के विकास के लिए, डेवलप के लिए 15 करोड़ रुपए की डिमांड हमने किया था। और आज सुबह तकरीबन 11 बजे मुझे जीआर मिला, हुक्मनामा जारी हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं अभी ये प्रेस कर रहा हूँ। और 15 करोड़ रुपया शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए मंजूर हुआ है। उसमें अहम काम जो है वो जाफर नगर वाली मेन रास्ता भी उसके अंदर शामिल है, जो सबसे अहम रास्ता है शहर का। कुबा मस्जिद वाला रास्ता भी उसके अंदर शामिल है, हजार खोली का एक रास्ता शामिल है। अब्बास नगर से हाजी नजमुद्दीन साहब के मकान तक का कॉन्क्रीट रास्ता शामिल है। रौनकाबाद की मेन रास्ता है, नुमानी नगर का मेन रास्ता है, जमूर नगर का 60 फीटी रोड का रास्ता शामिल है, मदनी नगर का कॉन्क्रीट रास्ता शामिल है, जो जमूर हाईस्कूल तक जाता है तड़वी नगर का, वो रास्ता शामिल है। इस तरीके से रोड और रास्ते के काम मंजूर है। और काली खोली गोल्डन नगर का रास्ता मंजूर हुआ है। इस तरीके से ये काम मंजूर हुए। और इसके अंदर अहम काम जो है, इस्लामिया कॉलोनी में 1 करोड़ रुपये से शादी हॉल बनेगा, जो शेख रशीद साहब के नाम से होगा। इसी के साथ एक मालदा शिवार के अंदर एक शादी हॉल बनेगा। इसी के साथ सलामताबाद के अंदर एक शादी हॉल बनेगा। इसी के साथ एक सर्वे नंबर 130 कुलुलु तैलत मदरसे के सामने शादी हॉल बनेगा। काबरा कंपाउंड के अंदर एक शादी हॉल बनेगा, अक्सर कॉलोनी के पास। एक दयाने के अंदर रमजानपुरा दयाना जो कब्रस्तान के पीछे है, आयशा नगर के पीछे, वहां शादी हॉल बनेगा। एक नौ किरण साइजिंग के पास शादी हॉल बनेगा। एक निहाल नगर शाही मंदिर के अंदर एक शादी हॉल तामीर होगा। एक मोमिनपुरे के अंदर शादी हॉल तामीर होगा। इस तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर शादी हॉल भी तामीर होगा। इस तरीके से ये 15 करोड़ रुपए के ऑर्डर है। और इसमें एक खानका शहीदिया जो मस्जिद है करीम नाके के पास, शहीद अब्दुल हमीद रोड पर, वहां पर एक अलीशान गेट तामीर होगा। इस तरीके से 15 करोड़ रुपए की और डिटेल है, इसमें 26 काम है। 15 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। मैं महाराष्ट्र हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और अजीत दादा पवार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से 15 करोड़ रुपया आज शहर के विकास, शहर के डेवलप के लिए दिया है। मैं शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। और जिस इलाके के अंदर ये काम होने वाले है, मैं उस इलाके की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ शादी हॉल तामीर होने वाले है, उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। और काम करने वाला जो शख्स होता है, उसके लिए ये बात आज साबित हो गई कि जो कोशिश करता है उसको कामयाबी मिलती है। और हम लोगों ने अपोजिशन में रहते हुए 5 साल कोशिश किया। अभी सोलार का पैनल जो है मंजूरी लाए हमने, फिटिंग शुरू हो गई, इफ्तिदा हो गया। इस तरीके से शहर का विकास, शहर के डेवलप के लिए जब भी हमको मौका लगा, शेख रशीद साहब भी विकास और डेवलप के नाम पर हमेशा वोट मांगते थे और हम लोग भी शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर चल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये काम हो सकता है, ये आचार संहिता के बाद यानी इलेक्शन के बाद इसकी काम की शुरुआत हो, संगे बुनियाद रखा जाए। लेकिन आज सुबह 11 बजे आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों को ये जीआर मिल गया है, मंजूरी आ गई है और इसका पैसा भी ट्रांसफर हो चुका है कलेक्टर ऑफिस में। इसीलिए आज मुख्तसर में आज आप लोगों को मैंने मेरे मकान पर बुलाया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बड़ी प्रेस नहीं ले सकता।
इसके लिए मुख्तसर में आवाम तक ये बात पहुंच जाए, इसीलिए आज आपको याद किया। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।